नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। मैं हूं विधि आपके साथ। देश दुनिया में क्या चल रहा है उस पर डालते हैं एक नजर, जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। चेन्नई में 20 साल के अविंशु पटेल की आत्महत्या और उसके सुसाइड नोट ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। अविंशु का शव पिछले हफ्ते चेन्नई के निलंकराई बीच पर मिला था। उसने कथित तौर पर समलैंगिक होने के कारण अपनी जान दे दी। मौत को गले लगाने से पहले उसके द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट को जिसने भी पढ़ा वो स्तब्ध रह गया। उसने ये सुसाइड नोट अपनी फेसबुक वॉल पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा था और कहा कि वो भगवान के पास जाकर पूछेगा कि उसे ऐसा क्यों बनाया। अविंशु को प्यार से लोग अभी कहते थे और वो मूल रूप से मुंबई के रहने वाला है और पिछले महीने ही चेन्नई के एक स्पा में काम करने आया था। फेसबुक पर 1750 शब्दों के सुसाइड नोट में उसने कहा कि वो गे हैं इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। उसने लिखा, लोग मेरे शारीरिक हाव भाव से नफरत करते हैं। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं लेकिन ये स्वाभाविक रूप से मेरे शरीर की गतिविधियों में दिखाई देती है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरे पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, मुझे हिजड़ा और छक्का कहते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा शरीर एक लड़के का था लेकिन मेरा व्यवहार एक लड़की की तरह था। अविंशु की आत्महत्या के बाद एलजीबीटी समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है जिसका इजहार वो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इस घटना से फिर साफ हो गया है कि देश में समलैंगिकता को कानूनी वैधता मिल गई हो लेकिन सामाजिक मान्यता के लिए अभी लंबा सफर बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे लाखों होम बायर्स की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए। ये होम बायर्स बिल्डर्स को मोटी रकम दे चुके हैं लेकिन उन्हें फ्लैट का पोजेशन नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ये मामला लाखों फ्लैट बायर से संबंधित है और केंद्र सरकार को ऐसा प्रस्ताव लेकर आना चाहिए जिससे फ्लैट खरीदारों को राहत मिल सके। जस्टिस एएम खनविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने कहा कि पैसे देने के बावजूद फ्लैट नहीं मिल रहे हैं और ये मामला लाखों बायर्स से है। पाकिस्तान को मंगलवार को उस वक्त शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब रूस ने पाकिस्तान मीडिया की उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया कि इमरान खान को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए न्योता दिया गया है। सितंबर में होने वाली ईईएफ मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि हैं और पाकिस्तानी मीडिया जोर शोर से बता रहा था कि इसके लिए इमरान खान को भी न्योता मिला है जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। रूस के खंडन के बाद पाकिस्तान को भी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऋतिक रोशन और सुजैन खान का भले ही 4-5 साल पहले तलाक हो गया हो लेकिन अभी भी दोनों के बीच मधुर रिश्ते हैं। इन दिनों सुजैन ऋतिक के लिए कुछ ज्यादा ही खुश है और इसकी वजह है ऋतिक की आने वाली फिल्म सुपर 30। सुजैन ने हाल ही में ऋतिक की ये फिल्म देखी और देखने के बाद इंस्टाग्राम पर लिखा, ऋतिक ये आपकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है, मुझे आप पर बेहद गर्व है। आपको बता दें कि सुपर 30 को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में मृणाल ठाकुर, वीरेंद्र सक्सेना, जॉनी लीवर, अमित साध और पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार नजर आएंगे। तो यह है अभी तक की बड़ी खबरें। और खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।